दोस्तों भले ही ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, मगर दोस्तों बड़ा चमत्कार हो चुका है। बीसीसीआई के इस नियम से भारतीय टीम का हारा हुआ यानी फाइनल मुकाबला बड़ी आसानी से जीत चुके हैं। आखिर आप भी जानना चाहते हैं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से हारा हुआ मुकाबला कैसे जीता, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा केएल राहुल ने 66 रन का योगदान दिया और किंग कोहली ने 54 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए मिचेल स्टार्क ने। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आई तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 43 रन के स्कोर तक 3 विकेट चटका दिए थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज ज्यादा कमाल नहीं कर सके और इस मुकाबले को ट्रेविस हेड और लबुशेंस ने जीता कर इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की है और इस वर्ल्ड कप में जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है, ये किसी जीत से कम नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।